हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा था जो लास्ट जो वीडियो थे उसमें हम देखे थे सेट्स के बारे में देखे थे, उसके फॉर्म देखे थे और उसके टाइप्स देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उसके कुछ और जो टर्म्स हैं। ठीक है, तो उसमें आता है फर्स्ट आता है सबसेट। ठीक है, फर्स्ट आता है सब सेट्स। अभी क्या होता है, इससे पहले हम क्या देखते थे, सेट्स क्या होते थे, हमारे डेटा जितने भी हमें हमारे ऑब्जेक्ट थे उसका कलेक्शन होता था। अब सबसेट क्या होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, जितने भी जो भी हमारा सेट रहेगा उसका एक छोटा सा पार्ट होगा। सब सेट नेम ही है, सब सेट मतलब सेट के अंदर का कोई भी एक पार्ट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं, सपोज हमारे पास सेट ए है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा एक सेट है। ये है नेक्स्ट, अगर हमारा बी सेट है 2, 3, 4 है, तो यहाँ हम देखते हैं जो 2, 3, 4 है इसका एक पार्ट है, मतलब इसका जो एलिमेंट है इसका, इसमें जो जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, इसमें जितने एलिमेंट है इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए सेट बी सेट है वो ए सेट का कुछ पार्ट है, 2, 3, 4 है कुछ पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी है ए का, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी क्या है, ए का सबसेट है। ठीक है, अब ये जो लिख रहे हैं हम, ठीक है, सबसेट को डिनोट किससे करते हैं, इससे। ठीक है, जो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, इस टाइप से ऐसा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ये इस टाइप से है, अगर बी का कुछ पार्ट, बी इसका कुछ पोर्शन है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर सपोज ये बी रहता और ये ए रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का कुछ पोर्शन है, कुछ पार्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा पूरा नहीं है, सपोज यहाँ पे 2, 3, 4 और 8 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, 3, 4, 8, तो यहाँ तो 1, 7 तक ही है, 8 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका पार्ट पूरा पूरा पार्ट नहीं है, कुछ तो है लेकिन पूरा पूरा पार्ट नहीं है, तो ये इसका कुछ पार्ट मतलब पूरा, इसका जो पूरा है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये होगा, क्लियर है सबसेट का। ठीक है, अब यहाँ, अब इससे पहले जब हम देखे थे तो सेट का देखे थे कि एक तो देखे थे एम्प्टी सेट देखे थे, उसके बाद क्या देखे थे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट देखे थे। अब इसमें एक और क्या चीज होता है कि जैसे कोई भी एक सेट है तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। ठीक है, सिर्फ एक एलिमेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन, सिंगलटन सेट। ठीक है, जिसमें ऐसा ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहां पे क्या देखते हैं कि ये जो है इसका है, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसका जो इंटरवल होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, हम इंटरवल का देखते हैं। ठीक है, इंटरवल है, अब जो इंटरवल रहता है, जैसे हम जो सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम इस टाइप से लिखते हैं y, देन कोलन होता है, फिर y का जो प्रॉपर्टी रहती है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो y का जो वैल्यू है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिलोंग करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिलोंग करेगा, मतलब यहाँ पे y का है वेरिएबल ही है, तो जो वेरिएबल का वैल्यू है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, अगर इस टाइप से लिख रहे हैं, मतलब सिर्फ लेस देन का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ओपन इंटरवल होगा, और लेस देन इक्वल्स टू दोनों का साइन है, ठीक है, दोनों साइड है, तो वहां क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर अगर हम देखने से पहचाने तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन इंटरवल में क्या होगा, सिर्फ लेस देन का साइन होगा, और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू का साइन होगा, दोनों साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हुआ। अब एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं, ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल मतलब जो इंटरवल ओपन हो रहेगा, ठीक है, मतलब खुला रहेगा। ठीक है, तो अगर जैसे देखते हैं तो ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल है, तो यहाँ जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है पूरा पूरा यहाँ तक नहीं जा रहा है, और ये भी पूरा पूरा यहाँ तक नहीं जा रहा है। ठीक है, ये ए है और ये बी पॉइंट है, तो जो उसका वैल्यू है, वाई का जो वैल्यू है, यहीं से यहीं तक बिलोंग कर रहा है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा जो इंटरवल है, मतलब जो गैप यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ गैप है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। अब जो ओपन इंटरवल है उसको इस टाइप से नोट करेंगे ए बी में। ठीक है, अब जो सेट है, सेट वो ओपन इंटरवल है किस पे, ए बी पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस सेट को ओपन इंटरवल
इन ए बी, ठीक है। क्लोज इंटरवल में देख लेते हैं, अगर क्लोज में देखते हैं तो क्या होता है, सपोज ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो वाई का भी वैल्यू कहाँ, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है, तो यहाँ पे कुछ गैप नहीं है, पूरा क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो वाई का वैल्यू है ए से बी तक का पूरा पूरा बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा पूरा कवर कर रहा है, और इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल इन ए बी, ठीक है। ओपन इंटरवल किससे, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से, और क्लोज इंटरवल को इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसा वाला ब्रैकेट है मतलब कौन सा, वो ओपन इंटरवल, और ऐसा है मतलब क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसा आता है, ऐसा आएगा, यहाँ पे तो कुछ लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसा आएगा कि एक साइड क्लोज रहेगा, एक साइड ओपन रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पे देखते हैं ए लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन बी, एक कंडीशन ये बनेगा, एंड सेकेंड कंडीशन बनता है हमारा a less than y less than equals to b, यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इधर इधर क्या है, क्लोज्ड है, इधर ओपन है, इधर ओपन है, इधर क्लोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, a क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज को किससे डिनोट करते हैं, इस वाले ब्रैकेट से a कॉमा b, और b क्या है, ओपन है, तो ओपन का ये रहेगा, तो इसमें रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला दोनों मिक्सअप रहेगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्लोज है, सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल a, ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इसमें क्या आएगा, b, और ये वाला ब्रैकेट आएगा, समझ में आया, इंटरवल का ओपन और क्लोज इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट, जो सेट्स पार्ट है उसके अंदर है हमारा पावर सेट, ठीक है। पावर सेट मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा सेट से उसका अलग अलग और एलिमेंट कितने, और उसके जो कॉम्बिनेशन और कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। सब एक सेट है हमारा, और उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाते बनाते ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें उस वो जो बनता है वो हमारा क्या रहता है, पावर सेट रहता है। सपोज हमारा सेट क्या है, ए है, उसका एलिमेंट 1, 2 है, ठीक है। तो अगर हम 1, 2 का जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो अगर हम बनाते हैं, ठीक है, 1, 2 का जितना अगर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और जो एलिमेंट रहता है वो रहता है 5। अब इस तीनों का मिला के जितना भी एलिमेंट बनेगा, एक्चुअल में 1 और 2 है, लेकिन हम ये सपोज करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में 1, 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। 5 को हम अलग से डिनोट कर रहे हैं, अलग से सपोज कर रहे हैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब कभी ऐसा होगा कि सिर्फ 1 को लेंगे, सिर्फ 2 को लेंगे, ठीक है, और सिर्फ 5 को लेंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। सो पावर सेट ऑफ ए, इससे नोट इस टाइप से नोट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आएगा, 5 आएगा, सेकेंड क्या आएगा, 1, ठीक है। अब जो पावर सेट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगते जाएगा, और ठीक है, एक एक एलिमेंट का, ठीक है, एक एक एलिमेंट क्या रहेगा, अपने आप में एक एक सेट रहेगा। 5 एक सेट है, यहाँ पे 1 सेकंड सेट है, 2 थर्ड सेट, ठीक है, देन 1 एंड 2, ठीक है। तो कितने बने, 5। अब ये जो पूरा है क्या रहेगा, ये पावर सेट रहेगा, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे, पावर सेट के जो एलिमेंट्स रहेंगे, वो अपने आप में एक सेट रहेगा। तो 5 एक सेट है, ये दूसरा सेट, ये थर्ड, ये फोर्थ सेट है, ठीक है। तो ए का जो पावर सेट है वो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब कभी ऐसा होता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वो हमें निकालना पड़ता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, ठीक है, इसका जो रहेगा 2 की पावर m, या बोल सकते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, ये होगा। सपोज यहाँ पे 2 एलिमेंट है, सो 2 की पावर 2, दैट इज 4, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, ठीक है, समझ में आया। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसका, चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, चेक वेदर गिवन पेयर इज सबसेट और नॉट, ओके, चेक वेदर गिवन पेयर ऑफ सेट इज सबसेट और नॉट।
ठीक है, जो पेयर गिवन है वो एक दूसरे का मतलब या तो ये इसका या फिर ये इसका सबसेट है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करते हैं, 2, 3, 4 है, ठीक है, इस सेट में 2, 3, 4 है, इस सेट में क्या है 2, 3, 4, 5 है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, मतलब ये सेट बड़ा है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये इसका सबसेट है क्या, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका जो एलिमेंट है इसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 2, 3 और 4 इसमें है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इसका सबसेट है। अगर हम सपोज करें ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे ये जो है 2, 3, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें ज्यादा है, तो ये बड़ा सेट हुआ, ये इसका एक पोर्शन है, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी है, बी सी डी है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पे 3 है, तो सपोज ये बड़ा है, अगर ये बड़ा एलिमेंट है, सपोज ये बड़ा सेट है, तो क्या होना चाहिए, इसके जितने भी एलिमेंट है इसमें भी होना चाहिए, सो बी सी डी है, बी सी है लेकिन डी नहीं है। और इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको सपोज बड़ा लेते हैं, बड़ा सेट लेते हैं, इसको इसका पोर्शन लेते हैं, तो यहाँ पे ए नहीं है, तो यहाँ पे ये इसका सबसेट नहीं है। सपोज ये हमारा सेट ए और ये बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए is not a subset of B, याद फिर ऐसा भी ले सकते हैं, B is not a subset of A। ठीक है, आप ऐसा लिखें चाहे ऐसा लिखें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, X, X is a student of class 11th of your school। ठीक है, अब X है, वेरिएबल है, ये किसमें, सेट बिलर फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, X is a set of class 11th। ठीक है, X is a, sorry, X is a student of class 11th of your school। ठीक है, सपोज आपके जो 11th क्लास में है, सपोज 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बस ले रहा हूँ ना। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में कितने हैं, 5 है, ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल के 11th क्लास में 5 स्टूडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है X, X द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, सपोज आपके स्टूडेंट, इसमें क्या बोला है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब आपके स्कूल में कितने, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, सपोज आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, 100, सपोज 100 स्टूडेंट हैं और क्लास वाले में कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, तो ये इसका पोर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, क्लास 11th आपके स्कूल का ही है, आपके स्कूल का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका सबसेट है, सपोज ये हमारा जो है, ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी है, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसका होगा, मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो है इसका कुछ पोर्शन है, मतलब इस क्लास 11 में जो है, ठीक है, इसका कुछ पोर्शन होगा, 100 टोटल 100 स्टूडेंट है, तो उसमें से 5 स्टूडेंट कौन है, 11 क्लास वाले हैं, इसका ही पोर्शन है, उसका ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, X is an even natural number। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल X है और X का चीज है even natural number। ठीक है, even natural number, even natural में कौन कौन सा आएगा, 2, 3, 4, 6, 8। ठीक है, ये पूरा आएगा, अब इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है। नेक्स्ट, X is an integer, integer में क्या कह जाएगा, इंटीजर में क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite। ठीक है, इधर -1, -2, -3 up to infinite। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इस वाले साइड का देखते हैं तो ये बन रहा है, और इस वाले साइड का देखते हैं तो ये बन रहा है उसका रोस्टर फॉर्म। तो ये जो है इसका ही कुछ पोर्शन है, 2, 4, 6, इसमें से ही निकाल के बन रहा है ना। ठीक है, अगर इसको हम, इसको जो इवन वाले हैं उसको अरेंज करके लिखते हैं पॉजिटिव वाले को, तो 2, 4, 6 इसका ही पोर्शन है, मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पावर सेट ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमारा सेट है ए बी, इसके एलिमेंट है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, राइट ऑल सबसेट ऑफ ए बी। ठीक है, मतलब जो पावर सेट होता है क्या होता है, जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट होते हैं वो होते हैं पावर सेट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा सेट ए, सपोज ए और बी है। ठीक है, जो हमारा सपोज हमारा सबसेट ए है, ठीक है, जो सेट ए है, अब उसका जो एलिमेंट क्या है, ए और बी है, तो उसका पावर सेट क्या होगा,
ठीक है, पावर सेट होगा, सबसे पहले तो फाई आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए भी इसका एक सबसेट है, बी भी इसका एक सबसेट होगा, ठीक है, और ए बी भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, टू थे, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होगा, टू की पावर टू, ठीक है, मतलब टू ये होता है ना, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, सो कितना जाएगा, टू की पावर टू, इट मीन्स फोर। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर, ठीक है, क्लियर है। क्या क्या करना है बस इसमें, मतलब जो पावर सेट है क्या होता है, जो हमारा सेट है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं, इसका एक पॉसिबल सबसेट क्या है, फाइव है, एक पॉसिबल सबसेट ए है, पॉसिबल सबसेट बी है, और क्या है, ए बी है, ठीक है।